वेलकम बैक टू फूड फिलिक। आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस। उसके लिए आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। हमने जो वेजिटेबल्स लिया है वो है फ्रेंच बीन्स हाफ कप कैप्सिकम, हाफ कप ऑनियन, हाफ कप कैरेट, फिर मैंने ले लिया है बेबी कॉर्न और उसके साथ साथ मैंने ले लिया है स्वीट कॉर्न। हमें चिलीज चाहिए, दो बारीक हमने काट लिया है ग्रीन चिलीज, उसके साथ साथ गार्लिक जो हमने चॉप किया है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप घर में भी जिंजर गार्लिक पेस्ट बना सकते हैं, एंड उसके साथ साथ एक कप स्टीम्ड राइस। ये बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप लेफ़्ट ओवर राइस को चेंज करना चाहें एक अच्छे ऑप्शन में। उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा अजीनोमोटो दैट इज़ MSG ले लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने उसके साथ साथ दो सॉसेस ले लिए हैं, ये है रेड चिली सॉस और उसके साथ साथ डार्क सोया सॉस। अब यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और उसमें हमने डाल दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। जब तक ये हीट ना हो जाए हमें फ्राइड राइस को हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। अब ये ऑयल हीट हो चुका है, हमें हमेशा गैस को हाई फ्लेम पे ही रखना है। जैसे ऑयल हीट हो जाए उसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिलीज, फिर हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ गार्लिक, इन्हें हम सौते कर लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे ऑनियंस जो हमने चॉप किया है। अब हमारा ये ऑनियन जैसे सौते हो रहा है उसी टाइम पर हम डालेंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा अजीनोमोटो, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। गैस को आपको हाई फ्लेम पे रखना है और कंटिन्यूसली सौते करते जाना है ताकि ये जले ना। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप बीन्स जो हमने चॉप किया है, हाफ कप कैरेट्स, थोड़ा सा बेबी कॉर्न हमने थोड़ा सा बॉईल किया है, कॉर्न कर्नल्स उसे डाल देंगे, इन सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे हम सौते करेंगे। फिर हम इसमें जो हमारा कैप्सिकम है वो भी डाल देंगे, हम 1 मिनट तक पकने देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वेजिटेबल्स सारे सौते हो गए हैं और ये कितने कलरफुल लग रहे हैं। इसमें हम डालेंगे सॉसेस, तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली सॉस ले लिया है, हम इसमें 1/2 टीस्पून सोया सॉस भी ऐड कर देंगे, हम इन्हें स्टर करेंगे। सॉसेस डाल के हमने मिक्स कर लिया है, अब इसमें डालेंगे हमारा 1 कप स्टीम राइस, और ऊपर से हम डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम टॉस करके मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। अब हम इसे कुछ टॉस कर लेते हैं और ये हमारा फ्राइड राइस रेडी हो चुका है, इसे हम प्लेट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ्राइड राइस रेडी हो चुका है, इसे हम थोड़े से स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देंगे। और ये फ्राइड राइस रेडी टू सर्व है।